अखिलेश ने विकास जिसने कराया अपनी तरफ कराया। हाँ, जब क्या नाम है मुलायम सिंह थे तो वो भी क्या नाम है यहाँ से फैक्ट्रिया उठा कर नहीं ले गए, गन्ना मिल और चीन मिल क्या नाम है वहाँ ले गए, रोड अपने वहाँ के बनाए। हमारे वहाँ का रोड नहीं बनाया, मायावती ने बनाया या बीजेपी ने बनाया, अखिलेश ने कुछ नहीं बनाया हमारे वहाँ। वो तो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, वो होकर तो होंगे, वो तब विकास तो करेंगे ही, वो क्या नाम अपने वहाँ के होंगे, वो यहाँ तो नहीं है, यहाँ कभी सीट ही नहीं निकली उनकी। अच्छा, बहुत कोशिश करी उन्होंने, विजेंद्र भाटी कई बार लड़े हैं और भी लड़े हैं, कभी सीट तो निकली नहीं, जैसे कोई सीट नहीं, बस आगे निकल गई। राकेश टिकैत का क्या प्रभाव पश्चिम में? हमको हमारे पास कोई जमीन जायदाद थोड़ा ही, हम तो मजदूर आदमी है, वो ही जानेंगे क्या करेंगे क्या हो रहा है। राजा है हम, मोदी है राजा है, योगी है राजा है, हम प्रजा है, हम अपनी मांग रख सकते हैं, हमें कोई परेशानी है तो कह सकते हैं, उनकी परेशानी है वो कह रहे हैं बेचारे। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए तो अच्छा करा, वो भाई प्रजा फिर भी बैठे हुए हैं, प्रजा की मांग है, प्रजा की मांग पूरी कर रहे हैं। राजा अगर प्रजा की मांग को पूरी कर रहा है तो बढ़िया है ना। एक बात ये बताइए, चुनाव आ गए हैं, अखिलेश जी कहते हैं 402, योगी जी कहते हैं 350, यहाँ काम पे वोट मिलेगा, यहाँ तो ठाकुर धीरेन्दर सिंह ही जीतेंगे। काम हुआ है? हाँ काम हुआ है, 4.5 सालों में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने जी तोड़ के मेहनत कराई है, किसानों को तैयार किया है, यहाँ जमीन दिलाई है एयरपोर्ट के लिए, तो जनता का तो भला होगा उसमें। जहाँ जमीन की कीमत कहाँ पहुँच गई, आसमान पे पहुँच गई है, इसलिए हम ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जनता की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, मुस्लिम समाज की तरफ से तहे दिल से एक एक वोट ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को दी जाए और आगे भी दी। जी हाँ, और आगे भी दी, पहले भी दी हमने। लेकिन एक बात हो जाती है कि जब आप ऐसा कह रहे हैं तो कह रहे हैं अखिलेश अंदर कुछ और है बाहर कुछ और। ना ना, इसमें कुछ नहीं है, सुनो सभा में एक मिनट सुनो, पहले आप सभा में थे? पहले थे। तो बीजेपी में कैसे आ गए? बीजेपी में आ गए, हमारे चौधरी धीरेन्द्र सिंह आए, हमारे घर के मेंबर हैं। परिवर्तन हो गया? परिवर्तन तो करना पड़ जाता है, क्या हो गया। हाँ, सवाल का जवाब नहीं दिया कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और। नहीं नहीं, काम के लिए, काम के लिए माननीय विधायक, हमारे यहाँ SC सीट थी अब से पहले, जनरल हो गई, अब ठाकुर साहब ने काम कराया, विधायक की पता पड़ी कि विधायक ऐसे काम कराते हैं, तो काम अच्छा लगा, हम विधायक जी के साथ हो गए। बिल्कुल सब अच्छा, काम के साथ हैं, विधायक जी ने यहाँ काम कराया है, माननीय विधायक जी ने, तो इसलिए जनता यहाँ की साथ है। अब देखिए पंडाल में भी जगह नहीं है, सड़क पे भी जगह, जेवर तक ये हालत है कि पब्लिक बिल्कुल ओवर है। जिस रोड पे आप खड़े ना, यहाँ बस चलती थी, आप उतर भी सकते थे चलती हुई में और चढ़ भी सकते थे, जहाँ इतने गड्ढे और इतनी आराम से चले थी। अच्छा। अब ये हाँ, चौधरी धीरेन्द्र सिंह से विकास जब कराया था, क्रम में बिल्कुल ऐसे हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हो। हवाई जहाज वैसे बताइए, अखिलेश यादव 402 कह रहे हैं, आप तो कह रहे थ्री पब्लिक, देख लीजिए अब। अखिलेश जी ने विकास कराया सैफई में। अच्छा। और हमारे विधायक जी ने विकास कराया जेवर में, इसलिए हम विधायक जी के साथ हैं अपनी विधानसभा में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश जाने, हम तो अपनी सीट की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 400 कुछ सीटें हैं वहाँ, लेकिन हम तो अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लिए ठाकुर साहब से बढ़िया कोई नहीं है, ठाकुर साहब से बढ़िया कोई नहीं। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हर तरह से मजबूत है, सक्षम है, इंसानियत भी है, अखलाक भी है, और लोगों में मोहब्बत भी है, गरीब की कदर भी करते हैं और जानते हैं सब बात। अच्छा, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं? ओवैसी, बात ये है, ओवैसी एक दूर का मोहरा है। ओवैसी के लिए बात हम ये नहीं कह रहे कि ओवैसी किस्मत सब आजमाएंगे, ओवैसी भी आएंगे ओवैसी का, लेकिन यहाँ ओवैसी का जादू नहीं चलेगा, इस सीट पे तो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का जादू चलेगा। बीजेपी 60,000 वोट मुस्लिम है, 60% वोट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ज्यादातर वोट ठाकुर साहब के साथ है। 3 कस्बे टाउन एरिया नगर पंचायत लगती है हमारे यहाँ, झांगीरपुर, जेवर, रबूपुरा, बिलासपुर, ठाकुर साहब के संग ज्यादातर है। चलिए, आपकी बात पे हम भरोसा करते हैं, और क्या माहौल देखते हैं चाचा? माहौल ये सेम यही है, भारतीय जनता पार्टी कंपलसरी है, सीट जनता पार्टी के लिए कंपलसरी है, ठाकुर साहब के लिए। अगर किसी को टिकट दूसरे को भी अगर मिलता है, जैसे अफवाह सुनने हैं हम, तो नौचानी से
अगर टिकट बदल गई तो नो चांस है? नो चांस है अगर टिकट बदलता धीरेंद्र सिंह का, तो घर घर से जुड़े हुए हैं वो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या जाट हो या वाल्मीकि हो, और जमीनी नेता है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, खुशी में गमी में सबके साथ वहाँ होते हैं, पहुँचते हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। एक बात ये बताइए कि यूपी में जो चुनाव है इस समय जिन्ना का नाम बड़ा आ रहा है। जिन्ना तो सन 47 की बात है, जिन्ना की बात सन 47 की है, जब भारत आजाद हो रहा था। भारत आजाद हो रहा था जब सन 47 की बात थी। भाई दो दिग्गज नेता थे, उनमें सीनियरिटी जूनियरिटी की लड़ाई लड़ी गई। यहाँ नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया। अब पाकिस्तान में जिन्ना के साथ जिन्ना चले गए, जो उनके साथ चले गए उनके साथ चले गए। हम तो इस मातृभूमि के रहने वाले हैं, इसमें ही रहेंगे। अच्छा, क्या सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना सही है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते। जिन्ना अलग चीज है। सरदार पटेल देश के अच्छे व्यक्ति थे, हमारे हिंदुस्तान में जो रहे वो हमारे लिए थे, जो पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तान वाले रहे। अखिलेश जी तो उनसे तुलना कर, अखिलेश जी की बात छोड़िए, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? चाचा तो अखिलेश पे मनना रहा, चाचा ही नहीं मना पा रहे घर में। वो उत्तर प्रदेश को कैसे मनाएंगे बताओ? घर का मेंबर चाचा को नहीं मना पा रहे ना। अरे चाचा मना लेंगे तो क्या सरकार बन जाएगी? नहीं नहीं, वो सरकार की बात जनता जाने। अरे घर का बेदी बहुत लंबा मामला, लेकिन घर से फूट पड़ती है ना, तो बिखरा कुनबा बिखर गया है, कुनबा बिखर गया। लेकिन कह रहे 402 आ रही है। ना आ रही, ना आ रही, वो बता रहे हैं। जेवर को भी अपना बता रहे थे कि जेवर को भी ना ना ना। जेवर किसने किया? क्योंकि आप यहाँ के लोकल में, हम किसने अगर मतलब अगर बात करें, क्योंकि विकास हुआ है तो अब जनरल सीट में आने के बाद हुआ है, बाकी नहीं मतलब बीजेपी आने के बाद हुआ है। जनरल सीट यहाँ आई है ना, जब से हुआ है यहाँ विकास, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के आने से 4.5 साल से कि 9 साल से? ये अभी से 9 साल से, 9 साल से विकास हुआ है। हाँ। विकास तो बहुत बड़ी चीज है। जितने भी यहाँ सांसद रहे, जितने भी यहाँ MP रहे, MLA रहे, किसी की सूरत न देखी पब्लिक ने, कह रहा मैं पूछ लो किसी से। जब से धीरेन्द्र चौधरी आए सब जगह विकास करा, गाँव गाँव में गए, घर घर गए, हर गली गली बनवाई है। अच्छा, हाँ, विकास के नाम पे वोट होगा इस बार? हाँ, विकास के नाम पे। विकास अगर प्रजा किसके साथ होती है? उसी राजा के साथ होती है जो राजा प्रजा के साथ होता। जब राजा ही प्रजा के साथ नहीं है तो फिर प्रजा क्यों साथ राजा के साथ होगी? और पार्टी की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, ठाकुर साहब क्या कहा, जमानत जब्त हो जाएगी और पार्टी की, ज्यादा हम ना कह रहे कुछ, जमानत जब्त और पार्टियों की जमानत जब्त है। लेकिन पश्चिम में कहा जाता है कि राकेश टिकैत का प्रभाव, आगे हमें जानकारी ना, हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो ये है कि हम हमारा मजदूरी करने जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, हमें क्या पता क्या हो, क्या हो रहा था। हम अपनी सीट को देख रहे हैं, अपनी विधानसभा इतनी बड़ी है, माना जा सकते हैं हम कहीं। ये विधानसभा बीजेपी की फिक्स हो गई। राकेश टिकैत का क्या प्रभाव आप देखते हैं, क्योंकि बड़ा जानकारी आप रखते हैं इस विषय में? राकेश टिकैत किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत किसानों का जो मसला है, MSP पे खरीद ना होना, जैसे गवर्नमेंट अब बाजरा खरीद रही है 1800 रुपए का रेट है बाजरे के, लेकिन मंडी में खरीदा जा रहा 1200-1400, तो किसान का पेट कटता है। इसके लिए वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ का किसान मजदूर सब विकास के साथ है। तो MSP की तो बात ही नहीं हुई थी ना, पहले तो तीनों कानून की बात हुई थी, प्रधानमंत्री वापस वो चीज, वो उनका हेडक है जो वहाँ धरने पे बैठे हैं, किसान लोग हैं, वो किसान के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा भाई, देखिए विपक्ष ना हो तब तक सरकार में मजा नहीं आता चलने में। अच्छा। सामने अब ये समझिए विपक्ष है तो यही है सरकार के खिलाफ, यही है खाली, कांग्रेस नहीं है। अरे कांग्रेस वांग्रेस नहीं, खाली टिकाए था बस इस वक्त। देखिए उन्होंने 1 साल संघर्ष किया, कितने लोग शहीद हुए, हम किसानों को शहीद ही मानेंगे बेचारों को। उन्होंने बेचारों ने संघर्ष किया है और किसानों के हक की आवाज उठा रहे हैं वो, उस पर भी मोदी जी ने अब देखो कानून वापस कर लिए, उसके बाद में वो भी समर्थन जो भी कुछ होगा आगे ठीक ही होगा, बेहतर होगा। क्या है माहौल ये सरकार? इतने गजब की सरकार है, ऐसी होनी मुश्किल है। सुनो यार, 8 तलाक ना प्रधानमंत्री जैसे, ना योगी जैसे मुख्यमंत्री, ऐसा 8 तलाक ना हो और ना होगो। देख सुन लो, 1 महीना में 2-2 बार राशन फ्री बांटे हो योगी मोदी।
एक बात बताइए, अखिलेश जी कह रहे 402 सीटें यार। गलत, एक भी ना आनी बाकी, बेखाल निलकर निल जाग होकर खाली। अगर ये एक नहीं जाना थे, हम कह रहे दावे के साथ। अच्छा, और विधायक हमारा अब तलक ऐसा न हो और न होगो जैसा विधायक धीरेंद्र सिंह ठाकुर। एक बात ये बताइए, किसान हैं आप, ये बताइए कि राकेश टिकैत बैठे हुए हैं बॉर्डर पर? कौन राकेश टिकैत? टिकैत महा टिकैत, एक दिन गई नखले ऊपर जाके झंडा फहराऊंगा। उनने सुनो, हमारे योगी जी ने क्या कही, नखले तलक हाथों जा के राम नाम सत्य ही आ जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगी। ये बताइए तो फिर राकेश टिकैत किसको लेकर बॉर्डर पर बैठे हुए? कौन जो उनके साथ किसान बैठे हो, खाने खा गई देश विरोधी दलाल, देश विरोधी पैसा कमाने वाला राकेश टिकैत। मुर्दाबाद। सुनिए मेरी बात, कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट नहीं देगा, मैं पश्चिम में हूँ तो आप तो बीजेपी को वोट। क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो, हमारी बीजेपी टिकट ना मिलेगी? टिकट मिलेगी दबा के हर सूरत में, पर वो टिकट देना जितने सारे डकैते टिकट ना डकैते।